हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बात करेंगे टाटा टैली सर्विसेज लिमिटेड शेयर प्राइस टुडे, TTML लेटेस्ट न्यूज़ एंड TTML टारगेट। राइट, आज TTML में ऑलमोस्ट बायर ही बायर थे, मतलब अपर सके स्टॉक ने लगाया है, तो क्या ऑपरेटर का गेम स्टार्ट हो चुका है? तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक में फंसना नहीं चाहते हो TTML में, डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देख के जाना। शेयर करूंगा मेरी एनालिसिस, जैसे आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो के माध्यम से शेयर किया था आपको कि 19 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस था, वहाँ से ये टच करके नीचे आ सकता है, वही हुआ। स्टॉक 19-20 रुपये ऊपर गया, नीचे आया और इसने अब सपोर्ट लिया है 15 रुपये के आसपास। जैसे आपको याद होगा लास्ट वीडियो में शेयर किया था 15 रुपये सपोर्ट एरिया है, वही वो सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने स्टॉक को पहले से होल्ड करा हुआ है तो क्या आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैं अगर नया हूँ, मैं क्या स्टॉक को अभी बाय कर सकता हूँ? ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं TTML में। दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा, तो प्लीज़ अगर कुछ समझ आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? शेयर कहाँ करोगे? फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम में। लेके चलता हूँ सीधा आज के कामकाज में और आज में क्या हुआ है, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, पहले आपको मैं दिखाता हूँ आज का कामकाज। ये TTML का मैंने NSE का डेटा खोला हुआ है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक 16.95 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब 17 रुपये आप मान के चल सकते हो। तो स्टॉक में आज क्या हुआ, पहले आप वो देखिए, आज स्टॉक ओपन 15.35 रुपये के आसपास हुआ था और लो भी 15.35 लगाया, ठीक है, और हाई लगाया 16.95, मतलब ओपन हुआ 15.35 में लेकिन क्लोज करा से 16.95 के आसपास, ठीक है? तो मतलब एक अपर सर्किट में स्टॉक ने क्लोज किया है। और आप देखोगे ध्यान से तो दोस्तों आज स्टॉक में सिर्फ बायर्स एक्टिवेट है, कोई सेलर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? देख सकते हो सिर्फ बायर्स बायर्स है, इसलिए मैं कह रहा था कि TTML में सिर्फ आज बायर्स ही देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गया इसके आज के कामकाज की। अब बात करते हैं TTML की न्यूज़ की कि भैया न्यूज़ क्या चल रही है, जो आज ये स्टॉक 4% 5% ऊपर हो गया। दोस्तों मैंने हर वेबसाइट देखी लेकिन मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली और मैंने सीधा NSE और BSE की वेबसाइट खोली और वहाँ भी चेक करने की कोशिश करी कि भैया इसकी क्या न्यूज़ है, क्या स्टॉक इतना ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब आज सर्किट क्यों लगाया, कुछ न्यूज़ तो होगी तभी तो भागा, क्योंकि स्टॉक लगातार 3 दिन से लोअर सर्किट में था, अचानक से सर्किट खुल गया, तो ये हुआ क्या है? तो दोस्तों देखिए, मैंने NSE की वेबसाइट खोल रखी, मुझे इसकी वेबसाइट के अंदर कोई इसकी न्यूज़ नहीं दिखी और मैंने BSE की वेबसाइट भी खोल रखी TTML का, हाल फिलहाल में स्टॉक में कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन 11 तारीख और 12 तारीख के आसपास एक न्यूज़ थी कि इनके रिजल्ट अनाउंस होने हैं, तो मतलब वो चीज़ डिस्काउंट हो चुकी है, मतलब स्टॉक ऊपर गया है, इसके पीछे कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है? अगर आपको कोई न्यूज़ पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मेरे हिसाब से कोई न्यूज़ नहीं है, मैंने एकदम जेन्युइन सोर्स के तरीके से इसको ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ ये अपडेट होती है तो भैया NSE और BSE में ही होती है, उसके बाद उसी वेबसाइट उसको कॉपी करना स्टार्ट करती है, ठीक है? मनी कंट्रोल हो गई, इकोनॉमिक टाइम्स हो गई। तो सबसे पहले अगर आपको न्यूज़ चेक करनी है तो आप NSE और BSE की वेबसाइट में जाकर चेक करे करो कि स्टॉक की क्या न्यूज़ चल रही है, ठीक है? तो भाई मुझे तो कोई न्यूज़ नहीं मिली, अगर आपको मिली है और आपने वो सोर्स क्या है न्यूज़ का, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे, मैंने न्यूज़ यहाँ से पढ़ी थी और ये थी, क्योंकि भैया कंफर्मेशन चाहिए ना। अगर आप मनी कंट्रोल के फोरम से पढ़ रहे हो कि भैया इसकी ये न्यूज़ चल रही है, तो वो जो फोरम होती है वहाँ पर कोई भी बंदा जाके ना डिस्कशन कर सकता है, मैं भी जाके वहाँ डिस्कशन कर सकता हूँ, आप भी जाके कर सकती हो, तो वो एक रेलिवेंट सोर्स नहीं होता है, ठीक है? तो भाई इसकी कोई न्यूज़ नहीं है TTML की। ये जो आज स्टॉक प्राइस आया, ये आना था, क्यों आना था? तो बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब आपको समझाता हूँ TTML का प्राइस एक्शन। तो मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि स्टॉक को बाय करूं, मैं बोलूंगा अभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है, बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, TTML को फंसना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? प्राइस एक्शन समझो, मैं आपको प्राइस एक्शन के माध्यम से बताऊंगा कि TTML को अभी भी बाय क्यों नहीं करना है। देखो प्राइस एक्शन देखो अब, तब आपको समझ आएगा। और आपको याद होगा मेरा पुराना वीडियो जब TTML के रिजल्ट आउट हुए थे, मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था आपको मौका मिलेगा एक बार यहाँ से एग्जिट करने का, और यही एक मौका था आज एग्जिट करने का, मतलब एक बार डेफिनेटली स्टॉक हरे में दिखाएगा और आपको वहाँ से एग्जिट होना है, और यही आज का मौका था आपका एग्जिट होने का। क्या पता कल भी आपको मौका मिल जाए एग्जिट होने का, जो एग्जिट करना चाहती है। तो मेरे हिसाब से भाई आपको डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं, उनको बाय करके चल सकते हो। इस स्टॉक में ऐसा कुछ अभी खास नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो भाई देखो अब होता क्या है, मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट दिखाता हूँ। पहले आप मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट में यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट एरिया था 15 रुपये के आसपास, ठीक है? ये सपोर्ट लिया इसने, वो वहीं से अभी सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब एक सपोर्ट एरिया है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों देखिए और क्या है, और दोस्तों दूसरी बात देखिए हॉर स्टॉक्स में क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये प्राइस एक्शन क्यों है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अभी सिंपल कैंडल खोला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है,
ठीक है, आपको दो चीज़ें क्या देखने को मिल रही है, 200 देख सकते हो स्टॉक में एक अपर सर्किट लगा है आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे नीचे के वॉल्यूम देखोगे तो ये वॉल्यूम जो है और ये वाला जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब आज का जो वॉल्यूम है वो लास्ट सेल से ज़्यादा है, हैवी है, ठीक है। इसका एक कन्फर्मेशन तो मिलता है कि हाँ चलो यहाँ पर ना एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया तो हमें कल स्टॉक को ना बाय करके चल सकते हैं, लेकिन 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 कभी भी एक दिन के वॉल्यूम से ये मत तय करा करो कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्या बोल रहा हूँ, एक दिन के वॉल्यूम से ये मत तय करा करो कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, आपको एटलीस्ट कन्फर्मेशन का वेट करना है। आपको याद होगा विकास मल्टीकॉप, विकास मल्टीकॉप को मैंने बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि 4 रुपये 10 पैसे के ऊपर जब तक वो क्लोज नहीं करता बाय नहीं करना है, सिंपल इसका भी केस है, जब तक ये एक प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं करता आपको बाय नहीं करना है। ये सब चीज़ें क्या होता है दोस्तों, रिट्रेसमेंट होता है, जब कोई स्टॉक नीचे गिरता लगातार तो उसको थोड़ा रिट्रेसमेंट करना पड़ता है। बात को समझो, जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो कभी भी ऊपर एक बार नीचे चढ़ के जाता है वो, उसको नीचे गिरना पड़ता है, और ऐसे सेम केस है जब स्टॉक के नीचे गिरता है उसको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको फंसाया जाएगा, जो मेरा मानना है और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, प्राइस एक्शन जो मुझे बताने का प्रयास कर रहा है कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर आपको फंसाया जाएगा। ये सिंपल चार्ट में तो ये था, अब बात करते हैं हेकेनिशी में। अगर मैं इसको हेकेनिशी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, जैपनीज कैंडलस्टिक में, तो आपको क्या दिखता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि भाई अभी पूरे के पूरे रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, स्टॉक में बाय नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, हमें ये बता रहा है हेकेनिशी। और अब मुझे आपको बता रहा हूँ स्टॉक को मैं कब बाय करूँगा, देखो आप चाहते हो कि स्टॉक को आप फ्रेश एंट्री करो तो मैं बोलूंगा कि आप 19.75 रुपये का वेट करो। हाँ जी हाँ, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, अरे भाई बहुत ऊपर हो जाएगा लेकिन आपका पैसा फंसेगा नहीं, बात को समझो, जब तक स्टॉक 19.75 रुपये के ऊपर क्लोज नहीं करता स्टॉक को बाय मत करना, ये स्टॉक बाय नहीं होगा। यहाँ पर ये कभी भी स्टॉक यहाँ घूमे, ठीक है, यहाँ पर अगर ये घूमता है तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो रिट्रेसमेंट ट्रेड है, ये घूमने के बाद दोबारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक स्टॉक 19.75 रुपये के ऊपर क्लोज नहीं करता है स्टॉक को बाय मत करना, मत करना, ठीक है, आपका पैसा फंस जाएगा, टीटीएम ने बता रहा हूँ आपको, जब तक ये 19.75 रुपये नहीं काटता है आपको बाय नहीं करना, प्राइस एक्शन यही बोल रहा है, जब तक ये 19.75 रुपये नहीं काटता है ये स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला। आपको थोड़े बहुत नीचे गिरते हुए समय ना आपको थोड़े बहुत हरे कैंडल मिलेंगे, उस हरे कैंडल में आपको एग्जिट करना, जैसे पुराने वीडियो बताया था, तो यह अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने की, ना कि बाय करने की। तो भाई टीटीएमएल को भूल कर भी बाय मत करना, आपका पैसा इसमें ट्रैप हो सकता है, मेरा मानना यह है। अगर आपको बाय करना तो 19.75 रुपये के ऊपर बाय करना, एक बिड डाल देना, ठीक है, 4 दिन के बाद मिले, 10 दिन के बाद मिले, 1 महीने के बाद मिले, उससे पहले नहीं करना है। बाकी मेरे हिसाब से स्टॉक को आपको सेल ही करना चाहिए, आपको बाय नहीं करना चाहिए टीटीएमएल को, कोई भी इसकी न्यूज़ चल रही हो, कोई भी इसके रूमर्स चल रहे हो, मेरे हिसाब से भाई जब तक स्टॉक 19.80 रुपये के ऊपर नहीं जाता मैं स्टॉक को बाय नहीं करने वाला। आपको करना है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आपको याद होगा पास में मैंने आपको विकास मल्टीकॉर्प बोला था, मैंने आपको 3i Infotech बोला था, सेम पैटर्न स्टॉक बना रहे थे, मैंने बोला था कि अभी बाय नहीं करना, अभी बाय नहीं करना। 3i Infotech को भी देख लो, वो भी आज गिरा पड़ा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों कन्फर्मेशन नहीं मिला, जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलता आप स्टॉक को बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो कन्फर्मेशन का वेट करो, आज एक वॉल्यूम से कन्फर्मेशन मिल चुका है कि हाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया, लेकिन दूसरा कन्फर्मेशन मिलता है प्राइस से, ठीक है, जब तक प्राइस हमें नहीं बोलता कि बाय करना तो हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है भाई। हमें थोड़ा स्टॉक महंगा मिल जाए लेकिन हमें अपना पैसा ट्रैप नहीं करवाना है, बात को समझो, ठीक है भाई। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा टीटीएमएल को भाई भूल कर भी बाय नहीं करना है, और ये एक तरह का जाल है, ट्रैप है, जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इससे सेल ही करके चलना चाहिए, और इसमें टीटीएमएल की लेटेस्ट न्यूज़ कुछ नहीं है। आपको अगर एक अच्छा सोर्स मिलता है, अगर वहाँ लिखा रहता है कि टीटीएमएल का ये न्यूज़ है, तो आप डेफिनेटली बिलीव कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई न्यूज़ है मार्केट में अभी चल रही है। डेफिनेटली स्टॉक आपको 11 रुपये के लेवल दिखा सकता है जैसे ही ये स्टॉक रिवर्स लेता है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली ये रिवर्स ले लेगा, ठीक है भाई। ये मेरा व्यू था टीटीएमएल के ऊपर, आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बता सकती हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी बहुत कुछ नहीं है इसमें मेरे ख्याल से बताने के लिए, ठीक है भाई। आपको टीटीएमएल को बाय नहीं करना, ये ऑपरेटर का खेल चल रहा है और आपको फंसाया जाएगा, तो फंसना नहीं है बिल्कुल भी टीटीएमएल में, और फंसना नहीं है बिल्कुल भी टीटीएमएल में। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। चलो बाय बाय।